हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेलेनो ग्लासेस के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। ऐसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग एज ए स्पेसिमेन बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को समेटने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन, जिसमें फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब क्या है? जिसमें डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड हो, मतलब पीठ वाले भाग पर नर्व कार्ड हो, जो खोखली संरचना हो, उसके नीचे नोटो कार्ड हो, या नोटो कार्ड ना हो तो नोटो कार्ड बदल चुका हो वर्टेब्रल कॉलम के रूप में। अगर मान लीजिए ये डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड है तो इसके नीचे नोटो कार्ड होना चाहिए। नीचे ये नोटो कार्ड या तो है, अगर नहीं है तो ये बदल चुका है, इसको घेर चुका है इस प्रकार से वर्टेब्रल कॉलम के रूप में। और तीसरा, गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो, फेरेंजियल गिल्स, फेरेंस भाग पर गिल स्लिट मौजूद हो जीवन के किसी अवस्था में। तो तीन कैरेक्टर हो गए, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, नोटो कार्ड एंड गिल स्लिट प्रेजेंट एट द एनी स्टेज ऑफ लाइफ। ये तीन कैरेक्टर अगर हैं तो क्या कहलाएगा वो? कॉर्डेटा। सब फाइलम की बात करें, हेमी कॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ, आधा, जिसमें कॉर्डेटा के लक्षण पूरा पूरा ना हो, आधा हो। जैसे डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड इसके पीठ वाला भाग पर सिर से लेकर पूंछ तक नहीं होता है। ये जैसे दिख रहा है प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, तो सिर से लेकर के पूंछ तक नहीं होता, ये प्रोबोसिस कॉलर तक फैला होता है, पीछे तक नहीं होता। तो डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड का कैरेक्टर आधा हो गया। जब आधा हो गया तो क्या बोलेंगे उसको हम? हेमी कॉर्डेटा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्लास। क्लास है एंट्रोपनिस्टा, एंटेरो। एंटेरो शब्द का जो निर्माण हुआ है वो एंटेरॉन से। एंटेरॉन मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। अपनिष्ठा का मतलब होता है ब्रीथिंग, सांस लेना, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल्स के सहारे से, एलिमेंट्री कैनाल के रास्ते से ही रेस्पिरेशन कर पाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपनिष्ठा। तो इसका क्लास क्या हो गया? एंट्रोपनिष्ठा। जीनस है बेलेनो ग्लासेस। बेलेनो, बेलेनो का मतलब होता है ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, ग्लासेस मतलब होता है टंग, जीभ, मतलब बैल का जीभ जिस प्रकार से दिखाई देता है उसको देख के इसका नामकरण किया गया है, बेलेनो ग्लासेस, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा और सब फाइलम हेमी कॉर्डेटा, क्लास एंट्रोपनिस्टा और जीनस बेलेनो ग्लासेस, ठीक है, ओके। आगे अगला है हैबिट एंड हैबिटेट। ये ऑर्गेनिज्म बहुत पतला सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये किसी समुद्र की निचली सतह पर बालू में रहेगा, या बालू के अंदर होल बना के रहेगा, या पत्थरों के साइड में रहेगा, या किसी पेड़ पौधे के जो पानी के अंदर हैं, एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं, वेजिटेशन हैं, उसके नीचे कहीं पर छुपा होगा। तो ज़्यादातर ये बिल बना के रहता था, बोरोइंग हो गया, एक्सक्लूसिव मेराइन मतलब केवल केवल समुद्र में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा आपको। और क्या खाता है? भोजन के रूप में क्या करता है? ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भोजन के रूप में लेता है। इसका जो भोजन करने का जो तरीका है, सिलियरी फीडर्स, इसके माउथ से लेकर के पूरा एनस तक, माउथ से लेकर के इसके निचले, ये तो डॉर्सल पार्ट है, ये डॉर्सल पार्ट है, इसके विंडर पार्ट नीचे है, ऐसे पार्ट में माउथ है, माउथ से लेकर के पूरे एनएस तक, एनएस लास्ट में है, एनएस तक एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सिलिया पाए जाते हैं। सिलिया पाए तो जो भोजन को आगे से पीछे को ढकेलते हैं, इस प्रकार से ढकेलते ढकेलते पीछे तक ले जाएंगे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सिलियरी फीडर्स। कमेंट देख लेंगे, कॉमनली कॉल्ड एकॉर्न वार्म या टंग वार्म। टंग वार्म मतलब क्या होता है? जीभ जैसे दिखने वाला वार्म है, क्रीमी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है डायग्राम में। बॉडी बहुत स्मूथ होता है, सिलेंड्रिकल बेलन जैसा है। आगे देख लीजिए, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक। प्रोबोसिस की बात करें हम, प्रोबोसिस इज थिक मस्कुलर, ये बहुत मोटा होता है, बहुत मोटी लेयर का बना होता है, अंदर खोखली संरचना होती है, उस अंदर की संरचना को बोलते हैं सीलोम, प्रोबोसिस का सीलोम। प्रोबोसिस का सीलोम डार्सल पार्ट पर खुलता है, यहाँ पर खुलता है, ये डार्सल पार्ट है, ये डार्सल व्यू दिख रहा है आपको, डार्सल पार्ट पर खुलता है। तो अंदर का सीलम डार्सल पार्ट पर एक पोर से खुलता है, उसको बोलते हैं प्रोबोसिस पोर। अंदर जो लिक्विड, जो फ्लूड भरा होता है, वो इस प्रोबोसिस पार्ट को, उसकी टर्जिडिटी को, उसकी एक प्रकार के दबाव को, प्रेशर को, अंदर के प्रेशर को मेंटेन करता है। अगला है कॉलर। कॉलर बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये भी मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कॉलर शॉर्ट मस्कुलर, हैविंग ए पेयर ऑफ कॉलर सीलोम। इसके अंदर की ओर देखें, इनर साइड पे, इस साइड पे एक, इस साइड पे एक, दो कैविटी पाई जाएंगी, उसको बोलेंगे हम कॉलर सीलोम। ये भी क्या करते हैं? इसकी कॉलर भाग पर टर्जिडिटी को,
या उसके प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस बनाता है। अगला देखिए, ट्रंक इज सुपरफिशियली रिंग्ड। इसे हम ट्रंक की बात करें, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये नीचे से लेकर पूरा लास्ट तक ये पूरा ट्रंक है। ट्रंक में देखिए हल्का हल्का रिंग रिंग जैसे सब स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको हल्का हल्का दिख रहा है, ये दिख रहा है देखिए ये, तो ये सुपरफिशियली रिंग्ड है, वो वास्तव में रिंग नहीं है, वो बाहर से बस रिंग जैसे दिखाई दे रही है, ऐसे खांच खांच जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें आगे, ट्रंक को तीन भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला भाग देखिए ट्रंक का, इतना भाग क्या है ये, अगर आप एक पेज लो, कॉपी लो, कॉपी कर ऐसे खोल दो तो कैसे खुल जाएगा, पतला सा पतले पतले स्ट्रक्चर होगी दोनों साइड पे, दोनों साइड के किनारे पे, तो ऐसे पतली सी पत्ती जैसी स्ट्रक्चर है, ये विंग है उसका, विंग जैसी स्ट्रक्चर, पंख जैसी संरचना जैसी दिखाई दे रही। देखिए यहाँ पर सबसे बीच वाले रीजन पे मिड डॉर्सल रिज पाई जाती है, उसके जस्ट अगल बगल में कई सारे डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, मैनी नंबर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं, और यहीं पर इसी के आसपास में ये जो गिल्स दिखाई दे रहे हैं इसी के आसपास में उसके गोनेट्स पाए जाते हैं। अगर मेल है तो टेस्टिस होंगे, इसके साइड में टेस्टिस होंगे, अगर फीमेल है तो ओवरी होंगे, तो भी कई संख्या में होंगे। तो देखिए यहाँ पर ब्रेंकियल रीजन भी है और जेनेटल रीजन भी है, तो एक साथ हम क्या बोलते हैं इसको, एंटेरियर, आगे वाला पार्ट एंटेरियर ब्रेंकियो जेनेटल रीजन, ये सबसे ट्रंक का सबसे आगे वाला भाग, जहाँ पर ब्रेंकियल मतलब गिल वाला रीजन भी है और जेनेटल मतलब गोनड वाला रीजन, गोनड मतलब टेस्टिस या ओवरी वाला रीजन भी है। अगला देखिए मिडिल पोर्शन, मिडिल पोर्शन बहुत सारे छोटे छोटे संरचना में अंगूर जैसे स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये दो कतार में मिलेंगे आपको, ये कहलाते हैं हिपेटिक सिकी, ये हिपेटिक सिकी में छोटे छोटे थैली जैसे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, जब भोजन इस रास्ते से आगे पार होता है भोजन को पचाने में काम आता है, यहाँ से केमिकल निकलते हैं, एंजाइम्स जूस निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं जो आहार नल में जाकर भोजन को पचाते हैं। इस रीजन को बोलते हैं हिपेटिक रीजन, हिपेटिक मतलब एक प्रकार का होता है लीवर, इसका वास्तव में लीवर तो नहीं होता लेकिन लीवर में जो जूस निकलता है भोजन को पचाने के लिए, सेम ऐसे जूस यहाँ से भी निकलते हैं। तीसरा हो गया पोस्टेरियर एब्डोमिनल रीजन, इसके पीछे की ओर भाग करें, इसका पूरा पेट वाला हिस्सा, इंटेस्टाइन वाला हिस्सा इधर हो गया, इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं हम, एब्डोमिनल रीजन, उसका पेट वाला हिस्सा। और सबसे लास्ट में देखें तो एनस खुलता है, तो एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट, यहाँ से शुरू होती है एलिमेंट्री कैनाल, ये डॉर्सल पार्ट है, इसके नीचे से माउथ ऐसे खुलती है, माउथ शुरू होती है लास्ट तक जाती है एनस में, तो एलिमेंट्री कैनाल सीधा स्ट्रेट होता है, सीधा सीधा होता है। और सबसे लास्ट में क्या खुलता है, एनस, सेक्सेस आर सेपरेट, अभी बोला हूँ मैं, या तो इसमें टेस्टिस होगा या तो ओवरिस होगा, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग दोनों सेपरेट होते हैं। आगे देखिए एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, जब मेल फीमेल अलग अलग हैं तो मेल पानी में स्पर्म को रिलीज कर देते हैं, फीमेल ओवा को रिलीज कर देते हैं, जब स्पर्म ओवा फ्यूज होते हैं उसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर में हुआ है तो क्या बोलेंगे उसको हम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, बन गया जायगोट, ये जो जायगोट बनेगा स्पर्म ओवा जब भी फ्यूज होते हैं क्या बनता है, जायगोट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, बनने वाला को जायगोट बोलते हैं। अब ये जायगोट या तो डायरेक्ट डेवलपमेंट करेगा या तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करेगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या, कि उस जायगोट से बनने वाला जो एम्ब्रियो बनेगा, जो बच्चा बनेगा, जो प्रोजेनी बनेगा, वो अपने पेरेंट जैसे दिखाई दे तो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है, यदि पेरेंट जैसे ना दिख करके कुछ अलग दिखाई दे तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और जो कुछ अलग दिखाई देता है उसी को बोलते हैं लार्वा। तो कहने का मतलब इसके ज़िंदगी में क्या आती है, लार्वा आती है, लार्वा का नाम क्या है, टॉर्नेरिया लार्वा। तो कैसा डेवलपमेंट हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कौन सा लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा। फिर टॉर्नेरिया लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है, जब लार्वा में कुछ शारीरिक बदलाव होता है, बाहर से लक्षण चेंज होते हैं और बाद में जब फिर अपने पेरेंट जैसे दिखाई देता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। तो टॉर्नेरिया लार्वा में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है और क्या बन जाता है फिर अपने पेरेंट जैसे ये एडल्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये बेलेनोग्लासस के कुछ लक्षण, कुछ कैरेक्टर हमने बहुत कम समय में समेटने का प्रयास किया। थैंक यू।